डियर एस्पिरेंट्स नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस प्लेटफॉर्म पर। देखिए आज के सेशन में हम लोग जो बात करने वाले हैं, एम्स भोपाल में एक मेजर वैकेंसी आई है। आप सभी को पता है कि 2023 एक ऐसा साल है जिसमें बम्पर वैकेंसी आई हो, चाहे वो ड्रग इंस्पेक्टर की हो। आपने गुजरात का देखा, आपने देखा उत्तराखंड की, आपने यूपीएससी का एग्ज़ाम आपने देखा, वैकेंसीज देखी। अभी यूपीएससी की काफ़ी सारे वैकेंसीज वी आर एक्सपेक्टिंग वेरी सून इन द सीडीएसईओ। ठीक है, 400 प्लस वैकेंसीज पोस्ट खाली हैं। तो आज जो हम वीडियो में बात करेंगे एम्स भोपाल के बारे में। आप सभी को पता है कि एम्स दिल्ली से लेके एम्स रायपुर, एम्स पटना, और हमारे यहाँ के कैंडिडेट जो है प्रदीप जी एम्स पटना में सेलेक्ट भी हुए हैं। सो वी हैव प्रूवन दैट, वी हैव गिवन द रिजल्ट्स आल्सो। हमने टॉपर खरीदा नहीं है, टॉपर बनाया है एक्चुअली हमने। ठीक है, तो जो मेहनत है वो ग्राउंड लेवल पर हम लोग काम कर रहे हैं। इस वीडियो में हम लोग जो जानने वाले हैं एम्स भोपाल, एम्स भोपाल में जो मेजर वैकेंसी है उसके बारे में। इस वीडियो का बिल्कुल भी मकसद नहीं है व्यूज पाने का, इस वीडियो का मकसद है आपके हर छोटे से छोटे डाउट को क्लियर करना। ठीक है, चलिए लेट्स स्टार्ट। मैं आप सभी को बता दूं कि एम्स में इतनी वैकेंसीज, मुझे लगता है अब तक जब से मैं फार्मेसी कर रहा हूं, जब से मेरी जानकारी में है, दैट इज गोइंग टू बी द बिग वैकेंसी। कोई ऐसा एम्स नहीं जिसमें 25-30 पोस्ट ना आई हो। और आप यकीन मानिए, अगर अब आप चूकेंगे तो फिर बहुत मुश्किल है आपके लिए। मेक श्योर दैट यू आर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। चलिए बने रहिए। अब देखिए, ये एम्स भोपाल की है, भोपाल बोले तो मध्य प्रदेश। ठीक है, ये देखिए वैकेंसीज में जब आप आएंगे तो कुछ इस तरीके का आपको चीज़ें, जॉब में आएंगे तो इस तरीके का रिक्रूटमेंट फॉर ग्रुप सी, ये सब 27 अक्टूबर को एडवर्टाइज किया गया है, 20 नवंबर ये सारी चीज़ें। ठीक है, ये देखिए डिटेल एडवर्टाइजमेंट। हमेशा वैकेंसीज को डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट से ही देखना चाहिए, वरना यू विल बी इन अ ट्रैप ऑफ फ्रॉड, फ्रॉड का शिकार हो सकते हैं। चलिए लेट्स स्टार्ट, एक एक करके बात करते हैं। हमारे पास जो है मंजिल बैच भी है, जो कि अभी हम लोग उसको बहुत फ्रेशली बैच है, कमाल का बैच है, उसको हम लोग जो है 2 दिन के बाद लॉन्च कर रहे हैं आपके। आज आपका क्या हो गया 29, 30 अक्टूबर, 1 नवंबर से शाम को 7 बजे से वो बैच आपको फ्रेश सारी चीज़ें मिलने लगेंगी। इससे पहले भी मंजिल बैच हमने लॉन्च किया था, दैट हैज बीन कंप्लीटेड। अभी एक बैच हम लोग मंजिल बैच के नाम से फ्रेश वी आर लॉन्चिंग। सो 1 नवंबर शाम को 7 बजे से आपको ज़बरदस्त मिलने वाली है। तो एम्स के किसी भी आप एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जस्ट गो फॉर दिस कोर्स। पूरे इंडिया में 999 में टॉप ट्रेंडिंग कोर्स है, वीडियोज, नोट्स, टेस्ट सीरीज, इतने में तो किताब भी नहीं मिलती। और किताब इज़ नॉट अ गुड ऑप्शन राइट नाउ। 2 साल का सिलेबस, 4 साल का सिलेबस यू कैन नॉट इंक्लूड इन अ बुक। सो इट्स बेटर टू गो फॉर स्टैंडर्ड बुक्स, इट्स बेटर टू गो डिटेल वाइज। चलिए जरा देखते हैं, ऑल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, ये सारी देखिए इन्होंने एम्स भोपाल ने रिक्रूटमेंट के लिए निकाला हुआ है। देखिए, याद रहे फार्मासिस्ट ग्रेड 2 के अलावा और भी वैकेंसीज हैं, जैसे डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, सेम सिलेबस, फार्मा केमिस्ट, केमिकल एग्जामिनर, लगभग सेम सिलेबस है। तो आप खाली ग्रेड 2 के चक्कर में जाइए, डिप्लोमा वाले जितने इनके चक्कर में भी जाइए, ये भी वैकेंसीज आपके लिए हैं। इधर पे देखिए 1 पोस्ट है, इधर पे देखिए डिस्पेंसिंग अटेंडेंट 4 पोस्ट, ये आपकी ही पोस्ट है, डिप्लोमा ही एलिजिबल है आप देखिए। लेकिन होता क्या है कि लोगों की वैकेंसी खाली बस फार्मासिस्ट, इधर भी निगाह डालिए। और मैं आप सभी को बताना चाहूँगा, एक बड़ी पोस्ट मैं देख रहा हूँ ट्रेंड में चल रही है, एक है आप देखेंगे सैनिटरी इंस्पेक्टर, 1 साल का डिप्लोमा कोर्स है, लोग उसको करके एक्सपीरियंस लेके सरकारी नौकरी ले रहे हैं। तो अगर आपके पास टाइम है, गो फॉर दिस कोर्स। सैनिटरी इंस्पेक्टर का कोर्स भी होता है, 1.5 साल का है, कर लीजिए आप उसको। करने के बाद आपके पास प्रॉपरली डिप्लोमा सर्टिफिकेशन आ जाएगा, एलिजिबल हो जाएंगे इस पोस्ट के लिए। नौकरी लेना बड़ा आसान है, अपनी क्वालिफिकेशन को अपग्रेड करिए, बढ़ाइए आप। ये सब बातें कोई बताएगा नहीं, लेकिन सबको लेना है व्यूज, सबको चिपकाना अपना कोर्स। इधर पे हम लोग आपको जो कोर्स के बारे में बताते हैं ताकि आपको अवेयरनेस हो कि बेस्ट प्राइस में आपको अच्छी चीज़ें मिल रहे हैं, लेकिन मेन फोकस हमारा इधर होता है, आपके डाउट्स को क्लियर करना। चलिए अब जरा इसके बारे में थोड़ा एक एक छोटी छोटी बातें, वीडियो लंबी होगी, जिंदगी का सवाल है, देखना पड़ेगा आपको अच्छे से। ठीक है, चलिए अब जरा आते हैं, ये देखिए सुटेबल फॉर द कैटेगरी। कुछ लोग फिजिकली चैलेंज है, उसमें कौन कौन सी कैटेगरी जो है, OL BL, आप देख लीजिए OL BL का इधर पे डिटेल दिया है, वो सारी चीज़ें आप जो है देख सकते हैं कौन कौन सी। ये देखिए OL BL, ये सब कैटेगरी। हॉरिजेंटल रिजर्वेशन ऑफ 4% एंड अदर, ये सब 4% रिजर्वेशन दिया जाएगा फिजिकली चैलेंज लोगों को, जितनी पोस्ट है उसका 4% इनके लिए रिजर्व है। ठीक है, ये जान लीजिए आप। ठीक है, ये सब अब देखिए, ध्यान दीजिए, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है,
ओपनिंग डेट क्या है 27 अक्टूबर। थोड़ी सी वीडियो में लेट बना रहा हूं, आप तक हो सकता है कई जगह की वीडियो चली गई हो, लेकिन दिस इज द डिफरेंस कि यहां पर आपके हर डाउट को क्लियर किया गया है, हर छोटे से छोटे। केवल आपको ये बताने व्यूज के लिए नहीं कि भाई ये सब सारी चीजें हैं। क्लोजिंग डेट आपकी 20 नवंबर 2023। मेक श्योर दैट यू आर क्लोजिंग, यू आर फिलिंग दिस फॉर्म बिफोर द लास्ट डेट। ये सारी चीजें हर छोटी छोटी भी मुद्दे पे मैं बात करने वाला हूं। देखिए, एज एंड अदर क्वालिफिकेशन, ये सब लास्ट डेट। लास्ट डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी एज लिमिट, आपकी क्वालिफिकेशन, आपका जो डिप्लोमा है वो इस तारीख से पहले पहले का होना चाहिए। आप ट्रेनिंग कर रहे हैं, बाद में मिल रहा है, नॉट, इट इज़ नॉट गोइंग टू बी एब्सोल्युटली नॉट एलिजिबल। 20 नवंबर 2023 से पहले पहले का आपका सब कुछ होना चाहिए। ये सब सारी चीज़ें जहाँ पर एक्सपीरियंस मांगा गया है शैल बी काउंटेड आफ्टर ऑप्टेनिंग। कुछ लोग कहते हैं सर हमने डिप्लोमा के टाइम पर जो हॉस्पिटल ट्रेनिंग की थी वो भी एक्सपीरियंस। नो, इट इज़ द पार्ट ऑफ डिप्लोमा ओनली। डिप्लोमा की सर्टिफिकेट मिलने के बाद जो एक्सपीरियंस है वो एक्सपीरियंस है, डिप्लोमा के टाइम का एक्सपीरियंस नहीं है। ये बात आपको कोई क्लियर नहीं करता, मैं क्लियर कर रहा हूँ आपको, ठीक है। जितने भी लोग कहीं पर काम कर रहे हैं, चाहे पब्लिक सेक्टर यूनिट हो, चाहे कोई ऑटोनॉमस बॉडी हो, चाहे गवर्नमेंट हो, आपको हमेशा जमा करना होता है NOC, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट। ये बहुत बड़ी चीज़ है लेकिन कोई बताता नहीं है। आप सरकारी आदमी हैं, प्राइवेट में कहीं काम कर रहे हैं, किसी से एसोसिएटेड हैं, आपको वहाँ से NOC देना पड़ेगा कि भैया हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, इस ऑर्गेनाइजेशन को आप नौकरी दीजिए। आपको बता के वहाँ से NOC इशू करा के तब फॉर्म को फिल करना पड़ेगा। तो अगर आप सरकारी आदमी कहीं पर काम कर रहे हैं फार्मासिस्ट के अलावा, गो फॉर NOC, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, बनवा के रखिए इसको, ठीक है। ये सब चीज़ें, चलिए। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट या स्किल टेस्ट, जनरली फार्मासिस्ट में स्किल टेस्ट आपको देखने को नहीं मिलेगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट मिलता है। ये सारी चीज़ें, ये सब जहाँ पर अगर स्किल टेस्ट है तो वो परफॉर्म करवाएंगे, ठीक है। ये सब मेडिकल फिटनेस इज इम्पॉर्टेंट, मेडिकली फिट भी होना जरूरी है, खाली एग्जाम निकालना नहीं होगा, यू नीड टू बी मेडिकली फिट आल्सो। तो अपना ये भी देखिए। प्रोबेशन, पर्सन सेलेक्टेड विल बी अपॉइंटेड ऑन प्रोबेशन एज पर द डायरेक्शन। आजकल ये प्रोबेशन का सियाप आ गया, बच्चे पूछ रहे सर ये प्रोबेशन क्या होता है। प्रोबेशन का मतलब आपकी परफॉर्मेंस को चेक किया गया। आप याद रखिए सरकारी नौकरी करना इतना आसान नहीं रह गया है कि हम अंडर द टेबल पैसा खा ले, कुछ भी कर ले, मनमानी कर ले, एब्सोल्युटली नॉट। थिंग्स हैव बीन चेंज्ड, सरकारें जब बदलती हैं तो लोगों के काम करने का रवैया भी बदलना पड़ेगा, ठीक है। तो प्रोबेशन का मतलब होता है जैसे प्राइवेट में होता है, प्राइवेट में क्या होता है रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम, आप अच्छा करेंगे आपको इंसेंटिव दिया जाएगा, गड़बड़ करेंगे बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा। अब सरकारी नौकरी में कुछ में, सब में नहीं, कुछ में, जैसे एम्स में आप देख रहे हो कुछ समय का इनका प्रोबेशन पीरियड होता है, 1 साल 2 साल 3 साल, उसमें ये आपको ऑब्जर्वेशन में रखते हैं, आपका प्रमोशन नहीं होता है, आपको ऑब्जर्वेशन में रखा जाता है, राइट। आपको सारा TA DA भी खुल के नहीं मिल पाता है, कुछ सैलरी ही आपको रिलीज की जाती, सैलरी फुल मिलेगी लेकिन जो आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट और मिल रहा है सैलरी के साथ वो प्रोबेशन पीरियड तक रोक के जाते हैं। प्रोबेशन के बाद आप परमानेंट होते हैं, होता ये परमानेंट वैकेंसी है, लेकिन गवर्नमेंट में भी आपका रिवार्ड एंड पनिशमेंट सिस्टम हो गया है, आपके परफॉर्मेंस को जज किया जाएगा कि आप कितने रेगुलर हैं, जॉब में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं, आप मन से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, कि आपके शरीर खाली आ गया, आत्मा कहीं और है। तो प्रोबेशन पीरियड में रख के आपको ऑब्जर्व किया जाता है, बट मेक श्योर दैट, वैसे ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ता सरकारी में प्रोबेशन का, लेकिन दे आर हैविंग द चांस, अगर आप गड़बड़ करेंगे, सही से टाइम पर नहीं आएंगे, छुट्टी मारेंगे, ढंग से काम नहीं करेंगे, देर इज हैविंग लॉट ऑफ चांसेस कि वो आपको बाहर का रास्ता दिखा देंगे, क्योंकि उन्होंने क्लॉज डाल दिया प्रोबेशन का। तो प्रोबेशन का मतलब यू आर अंडर ऑब्जर्वेशन, सारी फैसिलिटीज आपको बेसिक सैलरी के अलावा नहीं दी गई हैं, होल्ड की गई हैं, प्रमोशन आपका होल्ड किया गया अभी, समझ गए आप। प्रोबेशन 1 साल 2 साल 3 साल जितना भी हो, आपको सही से परफॉर्म करना है अपना, सारी चीज़ें, ठीक है। डिस्क्वालिफिकेशन, ये कुछ सारी चीज़ें हैं जो लोग कई शादियाँ वगैरह कर लेते तो उसमें डिस्क्वालिफिकेशन वगैरह है। सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है और स्किल वगैरह है सारी चीज़ें। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही मिली आप देखोगे, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी फार्मेसी वगैरह की। इसमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ये सब चीज़ें आप देखिए। जितने लोग, नंबर ऑफ कैंडिडेट्स शैल बी कॉल्ड फॉर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन द रेशियो 1:3, जितनी पोस्ट है उससे आप देखोगे नंबर ऑफ पोस्ट 1:3 के रेशियो में। तो आप देख लीजिए पोस्ट, 30+ पोस्ट है, आप देखिए इधर, ये देखिए, आइए ये देखिए, 27 पोस्ट इधर दिख गई, 4 पोस्ट इधर, 31 पोस्ट, तो 32 का 3 गुना, ठीक है, 96 लोग ये बुलाने वाले हैं इस तरीके से। फार्मासिस्ट का 3 गुना, अभी 27 है वो तो 27 का 3 गुना, 4 है तो 4 का 3 गुना, 1 है तो 1 का 3 गुना, ठीक है, इस तरीके से। सब जुड़िए मत लेकिन भर सकते हैं आप,
ये सब सारी चीज़ें। और याद रहे, क्या सर एक ही फॉर्म भरेंगे? बिल्कुल नहीं, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का अलग फॉर्म भरा जाएगा, फार्मासिस्ट का अलग फॉर्म भरा जाएगा, और दोनों का एग्ज़ाम भी अलग अलग होगा, एक ही नहीं होगा, दोनों पोस्ट अलग हैं। जब पोस्ट सेम होती है, रीजन अलग अलग होते हैं, तो एक दिन एग्ज़ाम होता है जैसे ESIC का। लेकिन जब आपकी पोस्ट अलग है तो अलग अलग दिन, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट का अलग एग्ज़ाम होगा, फार्मासिस्ट का अलग होगा, यू कैन गो फॉर सेपरेट फॉर्म। समझ गए आप? ये सब सारी चीज़ें, ये भी छोटी छोटी चीज़ें कोई क्लियर नहीं करता, लेकिन अभी सिलेक्शन प्रोसीजर, ये सब चीज़ें। तो तीन गुना ये बुलाएंगे, जितनी पोस्ट है 27 है तो 27 का तीन गुना, 4 है तो 4 का तीन गुना, 1 है तो 1 का तीन गुना। फाइनल रिजल्ट ये सब एम्स की वेबसाइट पर, ये सब और वेटिंग लिस्ट वगैरह, ये सब कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। देखिए क्या लिखा है, मिनिमम 35% मार्क्स इन द CBT फॉर इंक्लूजन इन द ऑर्डर ऑफ मेरिट। अब देखिए ESIC में आप जब देखेंगे, अभी ESIC के मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए इसका रूल मैं अभी बच्चों को बता रहा था। इसमें जब आप क्राइटेरिया आप देखेंगे तो जो GS है और फार्मा है दोनों में अलग अलग क्राइटेरिया है। इधर पे देखिए, रुकिए जरा, मैं आपको दिखा रहा हूँ फर्क है सब में। पहले ये ओवरऑल था, लेकिन अभी ये पैटर्न चेंज हो चुका है कि कितना क्वालिफाइंग मार्क्स लाना पड़ेगा आपको। ये देखिए इधर, ये ESIC का है, इसमें अलग अलग, फार्मा में अलग क्वालिफाइंग मार्क्स आपके कैटेगरी हिसाब से उसमें है, लेकिन एम्स में अलग है। एम्स में ओवरऑल देखो मिनिमम 35% पूरा ओवरऑल मिला के, चाहे फार्मा नॉन फार्मा जो भी है, सबका ओवरऑल मिला के अलग अलग नहीं, ये फ़र्क है इसमें। अनेक्सर 2 में इसका इंडिकेटिव सिलेक्शन दिया जाता है। ये जो अनेक्सर्स होते हैं ये पढ़ना बहुत ज़रूरी होता है। 100 क्वेश्चन, 100 मार्क्स, 90 मिनट अनेक्सर 2 की पोस्ट वाइज, ये सब सारी चीज़ें, ठीक है। निगेटिव मार्किंग 1/4 होगी, ESIC में भी निगेटिव मार्किंग 1/4 होती है, ये सब ताकि नॉन सीरियस कैंडिडेट को बाहर का रास्ता दिखाया जा सके, फालतू का फेक लोगों का, ये सब। आंसर की जारी होगी, कोई ऑब्जेक्शन है तो आप करिए, भोपाल की ही वेबसाइट पर, एम्स भोपाल की साइट पर, ये सब सारी चीज़ें। तो GST वगैरह, टाई केसेस कैसे किए जाएंगे, ठीक है। तो अगर दो लोगों का सेम आ गया नंबर तो वो कैसे रिजॉल्व करने वाले, ये सब चीज़ें। नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन, जो ज़्यादा नंबर ऑफ रॉन्ग क्वेश्चन कर देगा उसको हटा दिया जाएगा, ठीक है। डेट ऑफ बर्थ, जो सीनियर कैंडिडेट होगा जिसकी एज निकलने वाली होगी, भाई उसको वरीयता दी जाएगी, आपके पास तो चांस है। हायर परसेंटेज मार्क्स इन क्वालिफाइंग मार्क्स वाले को दिया जाएगा। रिजल्ट ऑफ CBT, वो सब। एज रिलैक्सेशन, देखिए एज रिलैक्सेशन का बड़ा सियापा होता है। OBC के लिए सेंट्रल रूल, क्योंकि सेंट्रल वैकेंसी है ये एम्स, कोई भी पूरे इंडिया का बच्चा भर सकता है, केवल मध्य प्रदेश का नहीं, और कहीं से भी आप रजिस्टर्ड है कोई भी भर सकता है। तो OBC 3 ईयर के रिलैक्सेशन है, SC ST 5 साल के रिलैक्सेशन, ये सब सारी चीज़ें लास्ट डेट के हिसाब से। बर्थ सर्टिफिकेट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट आपका सही होना चाहिए, हाई स्कूल का सर्टिफिकेट सही काउंट हो रहा है आपके सारी चीज़ें, ठीक है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए कोई नहीं, ये देखिए ये सब। फिजिकली चैलेंज लोगों के लिए, तो एज रिलैक्सेशन क्राइटेरिया अगर करना है, ये सब विडोज है, हु आर नॉट रीमैरिड, ये सब सारी चीज़ें, उनके लिए भी एज रिलैक्सेशन है, ये सब कुछ है, राइट। तो जब आपको एज रिलैक्सेशन लेना होता है, आपको कास्ट सर्टिफिकेट हमेशा, और याद रहिए सेंट्रल की वैकेंसी, तो राज्य सरकार का सर्टिफिकेट नहीं चलेगा, सेंट्रल केंद्र सरकार वाला चलेगा सर्टिफिकेट, याद रखिए इसको, ठीक है। सर्टिफिकेट वगैरह में गड़बड़ झाला नहीं करना है, ये सब। 1200 फीस है जनरल OBC EWS के लिए, और सबके लिए 600 रुपये है, ये सारी चीज़ें, ठीक है, ये सब। चलिए और देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट है क्या। ये देखिए नेम ऑफ पोस्ट, क्वालिफिकेशन जरा देख लेते हैं ध्यान से, देखिए फार्मासिस्ट के लिए डिप्लोमा इन फार्मेसी फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड, सो मेन क्वालिफिकेशन दैट इज डिप्लोमा, ये सारी चीज़ें। रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट, कहीं भी आपका रजिस्ट्रेशन आप हो सकते हैं, सर मैं UP का हूँ, राजस्थान का, भर बिल्कुल भर सकते हैं भाई साहब, बिल्कुल, इट्स अ सेंट्रल वैकेंसी। डिजायरेबल मतलब है तो ठीक है, नहीं है तो कोई नहीं चलेगा, रोकेंगे नहीं ये। तो एक्सपीरियंस इन मैन्युफैक्चरिंग और ये सब चीज़ें, ट्रांसफ्यूजन फ्लूड्स, रिपीटेड हॉस्पिटल में थोड़ा बहुत डिस्पेंसिंग आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए। एज लिमिट 21 से 27 साल है यहाँ जनरल के लिए, नॉर्मल एज रिलैक्सेशन, नॉर्मल एज का 27 साल, ESIC में 32 साल है। तो जितने लोगों की इधर पे एज निकल गई है, उधर पे ESIC वाला फॉर्म भर दे, कल तक उसकी लास्ट डेट है, आज मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ये देखिए, देखिए सैनिटरी वाला जो मैं बता रहा था कि सैनिटरी वाला पोस्ट भी बड़ा है, देखिए 12th प्लस सैनिटरी का कोर्स, 1 ईयर ड्यूरेशन का, ये सब, और हॉस्पिटल में एक्सपीरियंस आपका मांग रहा है। तो सैनिटरी का कोर्स आप, ये सब आती रहती हैं वैकेंसीज, ठीक है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। चलिए ये सब, डिस्पेंसिंग अटेंडेंट, डिप्लोमा, देखिए फार्मेसी, ये भी फार्मासिस्ट ही होता है, इसका भी फॉर्म भरिए आप, इसका एग्जाम अलग होगा। कौन बताएगा आपको इतनी सारी चीजें, सबको तो व्यूज पाने से फुर्सत नहीं है।
फार्मा केमिस्ट्री केमिकल एग्जामिनर, देखिए यहाँ पर भी डिप्लोमा 21 से 27, ठीक है ये सब। चलिए और ज़रा देखते हैं ये सब, ये देखिए सीबीटी पार्ट ए 25, पार्ट बी 75, 100 नंबर का पूरा आने वाला है। ये देखिए सीबीटी फार्मासिस्ट ग्रेड टू के लिए क्या होने वाला है, 25 नंबर का जीएस रीजनिंग वगैरह जो भी होता है वो सारी चीज़ें, और इधर पे ये सब सारी चीज़ें। अभी हम लोग जो हमारा मंजिल बैच है जिसको हम 1 नवंबर से लॉन्च कर रहे हैं फ्रेश बैच को, उसको आप कैसे अवेल करते हो, आप बाद में भी कभी ज्वाइन करोगे ना, 1 नंबर नहीं 10 नंबर आप दिसंबर में भी ज्वाइन करोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं, फुल वैलिडिटी फुल के साथ मिलेगा, वो हमेशा ओपन रहता है, ठीक है। चलिए ये सब सारी चीज़ें और ज़रा देख लेते हैं। अनेक्सर 3, देखिए ये जो अनेक्सर्स होते हैं ना ये पढ़ने आपको बहुत ज़रूरी होते हैं। प्रॉब्लम क्या, हमारी युवा जनरेशन की पेशेंस खत्म हो गया एकदम, ये सब फॉर्मेट बहुत ज़रूरी है, ये सब देखना बहुत ज़रूरी है। अगर आप सरकारी नौकरी तैयारी कर रहे हैं, आपको लेना है सारी नौकरी, तो डेफिनेटली आपको थोड़ा देना पड़ेगा, ठीक है। स्क्राइब के लिए मान लीजिए कोई फिजिकली चैलेंज है, उनके बिहाफ पे कोई राइटर जा रहा है, तो स्क्राइब को अगर ले रहे हैं तो उसका क्या डिटेल है, वो सब जो है सारी चीज़ आपको देनी पड़ेंगे। ओन स्क्राइब अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो स्क्राइब भी अंडरटेकिंग देगा, पता लगे कोई कोचिंग वाला है उसको आपने स्क्राइब बना लिया तो वो फिर टॉप करवा देगा आपको, तो ये सारी चीज़ें हैं, ठीक है। बाकी मैं मंजिल बैच के बारे में जरा थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। रजिस्ट्रेशन मैंने ओपन करा दिया है आज से, अभी से इसी वक्त इसका रजिस्ट्रेशन ओपन हो गया है। एम्स का मंजिल बैच पूरे इंडिया में टॉप ट्रेंडिंग है क्योंकि इसको सुबह ही हमने ओपन कर दिया था, रजिस्ट्रेशन चालू हो गया है, आपको ये सारी चीज़ें मिलने लगेंगी, ठीक है। ये सब ये देखिए 6 मंथ की वैलिडिटी के साथ है, बिगर स्क्रीन पर ऑप्शन है, डू नॉट फोकस ऑन नंबर ऑफ मटेरियल्स, बहुत सारी चीज़ अभी आनी है, लाइव बैच से बढ़ने वाला है, सब कुछ आने वाला है, ठीक है। ऑफलाइन डाउनलोड का ऑप्शन है, लाइव क्लासेस के साथ है, जस्ट एट 999। कहाँ मिलेगा साहब, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन पर। सो मेक श्योर दैट यू आर इंस्टॉलिंग द फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन विद कैप्सूल आइकन, और स्टोर ऑप्शन में जाना है, उधर पे जाके करना है, ठीक है। ये तो एंड्रॉयड का प्रोसेस, लेकिन अगर आप आईफोन यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आपको इंस्टॉल करना है माई इंस्टीट्यूट ऐप को डाउनलोड करना है, ORG कोड मांगेगा उसमें RBZQT आप डालेंगे, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन खुल जाएगा स्टोर ऑप्शन में जाके। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, इंस्टॉल में गड़बड़ करते हैं, उसमें आता है एक ऑप्शन साइन इन एज पेरेंट, वो पेरेंट्स के लिए, आपको नहीं साइन इन करना है, अगर वो क्लिक कर देंगे तो कोर्स दिखेगा ही नहीं आपको, तो साइन इन एज पेरेंट नहीं करना है आपको, आपको नॉर्मल लॉगिन करना है। आप व्हाट्सएप से लॉगिन कर लीजिए, व्हाट्सएप पे लॉगिन करेंगे क्लिक करेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे नोटिफिकेशन जाएगा, उधर पे क्लिक करके आप ज्वाइन कर सकते हैं, अदर ऑप्शन से भी कर सकते हैं, स्टोर ऑप्शन में फार्मा पाथफाइंडर्स का मिलेगा। लैपटॉप पे एक्सेस आपको अगर चाहिए तो आप मेरे इस नंबर पर 9519980214 पर कनेक्ट करिए, मैं आपको लैपटॉप एक्सेस लिंक वगैरह सबको जनरेट करके दे दूंगा, परेशान होने की जरूरत नहीं है, ठीक है, बिल्कुल बिंदास पढ़ाई करिए आप, ठीक है। हाँ, एम्स के साथ साथ और BSIC सफदरजंग और भी तैयारी कर रहे हैं, इस केस में मल्टीपल अगर आप बैचेस की तैयारी कर रहे हैं मल्टीपल एग्जाम की, तब आपको संकल्प बैच अवेल करना चाहिए। और आप यकीन मानिए पूरे इंडिया में ये भी ट्रिप ट्रेंडिंग है, इसको हमने लॉन्च कर दिया है, हफ्ते 10 दिन पहले लॉन्च हो गया है, 799 में है, फार्मा नॉन फार्मा पूरे इंडिया में, आपको विश्वास नहीं, 800 रुपये में सर पढ़ा रहे हैं, 800 में तो किताब नहीं मिल रही है, इधर देखो वीडियोज नोट टेस्ट सीरीज सब कुछ है, यही तो खास बात है, आप पढ़िए, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ठीक है। कुछ भी आपको पढ़ना है आप इधर पे आइए, फार्मा पाथफाइंडर्स एप्लीकेशन आ गए, ठीक है। कुछ भी चीज़ की आपकी तैयारी, आपको गुजरात DI की, देखिए 1599 में पूरे इंडिया में हमारे कोर्सेज अक्सर सारे ट्रेंडिंग ही है, क्योंकि क्वालिटी है, अनमैच क्वालिटी है, जो शायद ही आपको कहीं मिले, ठीक है। उत्तराखंड का 1499 पे, तो अपने दोस्तों मित्रों को बताइए ये सारी चीज़ें, ठीक है। उम्मीद कर रहा हूँ कि आपके हर डाउट क्लियर होंगे, इस वैकेंसी को जाने मत दीजिए, SIC का एक दिन बाद लास्ट डेट है, 30 अक्टूबर लास्ट डेट है, उसको जाने मत दीजिए, उसको करिए। खाली एम्स की तैयारी कर रहे हैं मंजिल बैच, अगर एम्स और अदर की तैयारी कर रहे हैं संकल्प बैच, क्योंकि संकल्प बैच में एम्स का भी सिलेबस है, SIC का भी सिलेबस इंक्लूडेड है। तो अगर मल्टीपल एग्जाम तैयारी कर रहे हैं गो फॉर संकल्प बैच, केवल एम्स की तैयारी कर रहे हैं गो फॉर मंजिल बैच, 999 799, यू विल बी द फैन ऑफ दिस प्लेटफॉर्म, ट्रस्ट मी। आप देखिए बहुत सारे, देखो चैनल को आप यूज करिए, आप इस चैनल पर देख रहे हो बहुत सारी चीजें पड़ी हुई है, देखो ये देखो ड्रग इंस्पेक्टर का इंटरव्यू से लेके हर चीज, एवरीथिंग हैव बीन गाइडेड, ठीक है। ये सब देखिए डाउट्स वगैरह सारी चीजें एक शॉट में देखिए, वीडियोज SIC फार्मासी कैसे करके पूरा, मैंने अपना जिंदगी भर का एक्सपीरियंस पूरा निचोड़ दिया मैंने एक वीडियो में, 2 घंटे सवा 2 घंटे की वीडियो में पूरी हिस्ट्री आप पढ़ लो, ये सब सारी चीज़ें कैसे जनरल एप्टीट्यूड तैयार करना है, हिस्ट्री देखो 2.5 घंटे पूरी हिस्ट्री पढ़ा दी है मैंने, आप यकीन मानिए यू विल बी डेफिनेटली द फैन, आई एम सेइंग अगेन एंड अगेन फैन, तो आप होने वाले हैं, ठीक है। चलिए
जूरिस्प्रूडेंस, कुछ भी आपको पढ़ना है, ये सारी चीज़ें, फार्माकोलॉजी पढ़ना, कुछ भी आपको पढ़ना है, एवरीथिंग इज़ देयर। बहुत सारी आपको हेल्प फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे मिल जाएगी, कोई चार्ज नहीं होता है। मेक श्योर दैट यू आर यूटिलाइजिंग दिस प्लेटफॉर्म। ट्यूटैक्सो हमारा प्लेटफॉर्म है, आप सभी को पता है, रिसेंटली हमने इसको लॉन्च किया है। इसका मकसद है आपको जॉब का अपडेट देना, पर्सनालिटी डेवलपमेंट पे बात करना। बहुत सारे ऐसे बच्चे डिप्लोमा के हैं, चाहे एम फार्मा के हैं, बी फार्मा के हैं, वहाँ पर हमने फार्मा पाथफाइंडर्स ऐप का जो है लिंक वगैरह डाल दिया, आप वहाँ से भी ज्वाइन कर सकते हैं। इस प्लेटफॉर्म को आप सपोर्ट बनाए रखिए। बाकी मैं आप सभी को थैंक यू बोलना चाहूँगा, तहे दिल से आपका शुक्रिया। नाउ इनोवेटर्स अड्डा इज 15,000 प्लस फैमिली। सो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। आपने भरोसा दिखाया। बहुत सारे प्लेटफॉर्म बहुत बड़े हो सकते हैं, हम लोग हो सकता है नंबर में कम हो सकते हैं, बट ट्रस्ट मी इम्पैक्ट इज मोर। ठीक है, तो आप इस पर अपना भरोसा और प्यार जो हमेशा इसी तरीके से बनाए रखेंगे, ऐसा मेरी उम्मीद है। और बिल्कुल मुझे उम्मीद से ज़्यादा हमेशा प्यार और सपोर्ट आपका मिला है, उसके लिए वंस अगेन थैंक यू सो मच। अपना ध्यान रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार।